45 मैचेस 40 दिन बीत गए हैं, अब बचे हैं सिर्फ 3 मैच और बचे हैं केवल 6 दिन, यानी गाइस 6 दिन में वर्ल्ड कप इन। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। हेलो हाय नमस्कार, क्रिको देख रहे हैं आप, मेरा नाम है रौनक। और देखिए ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी वर्ल्ड कप में भारत ने सारे लीग मुकाबले जीते, एक भी नहीं हारा है ये रिकॉर्ड। हालांकि ऑस्ट्रेलिया अपने नाम 2 बार कर चुकी है जब वो बिना वर्ल्ड कप में एक भी मुकाबला हारे वर्ल्ड कप जीती है। उस हिस्ट्री को हिटमैन इस बार क्या रिपीट करेंगे? वैसे याद तो होगा ही आपको कि जब जब रोहित ने कुछ नया किया है इंडिया अनडिफीटेड रहा है। ओडीआई करियर में ओपनिंग की शुरुआत रोहित शर्मा ने चैंपियंस ट्रॉफी 2013 में और इंडिया जीता ट्रॉफी बिना एक भी मैच गंवाए। 10 साल बाद रोहित भाई पहली बार ओडीआई वर्ल्ड कप में भी कप्तानी कर रहे हैं और भाई इस टीम की वाई भी एकदम जोरदार आ रही है। नहीं, मैदान में साक्षात पहुंचकर मैंने इस वर्ल्ड कप का एक मुकाबला तो देखा है और जब क्राउड से वंदे मातरम की गूंज आती है ना तो ऐसा लगता है कि ओहो वर्ल्ड कप इधर लाओ भैया, कप इधर ही लाओ और उस पर इंडिया का नाम लिखो और हमको दे दो, अब इंतजार नहीं होता। वैसे इस बार अपनी दिवाली एक्सटेंडेड हो जाएगी, यही विश सारा देश कर रहा है। वैसे इंडिया ने दिवाली का प्री सेलिब्रेशन और प्रेजेंट सेलिब्रेशन धमाकों से भर दिया है, अब बस पोस्ट सेलिब्रेशन भी बढ़िया से हो जाए और 19 नवंबर ऑफिशियली अपनी दिवाली मन जाए, हैं यही सब लोग कामना कर रहे हैं। वैसे टीम की इस लंबी चली दिवाली में कौन सा पटाखा आपका फेवरेट रहा वो कमेंट करके बताना। क्या लगता है, रोहित के रॉकेट्स से अच्छे या गिल की लड़ी, किंग का 49 ब्लास्ट या मैक्सवेल 201 बिग शो छाप या कोई और, जो भी हो कमेंट करके बताइए। वैसे मुद्दे की बात यह है कि कल है बुध और होना चाहिए हमारी टीम के लिए सब कुछ शुद्ध, यानी जैसे हम जीतते चले आ रहे हैं कल का मुकाबला भी हम जीते है कि नहीं। तो न्यूजीलैंड के खिलाफ कल के सेमीफाइनल को लेकर कुछ लोग इस भ्रम को पाल के बैठे हैं कि कुछ बुरा होगा तो क्या होगा। इस बात पर राहुल द्रविड़ ने कहा है कि हम अच्छा खेल रहे हैं, अगला मैच क्या होगा ये हम नहीं जानते मगर कोई गारंटी नहीं है कि हम ही जीतेंगे। इसमें घबराने का नहीं है इंडियन फैंस को, क्योंकि राहुल द्रविड़ ऐसा पहले भी बोल चुके हैं, अपने कोच साहब प्रेशर वेशर लेते नहीं है और यही टेक्निक रोहित शर्मा भी समझ गए, प्रेशर उन पर आए उससे पहले प्रेशर में आ जा रहा है। हिटमैन ने वर्ल्ड कप के शुरू में ही अनाउंस कर दिया है कि वो अटैक करेंगे, वो फोड़ेंगे और छोड़ेंगे बिल्कुल नहीं। अपनी टीम का इस वर्ल्ड कप में फंडा साफ है कि सामने वाले को साइड करो और करोड़ों फैंस की मुराद पूरी करो और इसकी शुरुआत हो जाए कल से, क्योंकि 2 मैचों की अग्नि परीक्षा में से पहली परीक्षा कल है। न्यूजीलैंड ने इस बार वर्ल्ड कप में बहुत ही धांसू शुरुआत तो की, टूर्नामेंट में आगे बढ़ते बढ़ते न्यूजीलैंड की टीम 4 मुकाबले हार भी गई, इसके बाद न्यूजीलैंड ने गिरते पड़ते किसी तरह सेमीफाइनल में जगह बनाई। ऐसे में बहुत संभव है कि पहले सेमीफाइनल को लेकर कीवी टीम दहशत में हो, वजह न्यूजीलैंड का मुकाबला उस टीम इंडिया से है जिसके सामने भारत में आते ही न्यूजीलैंड भीगी बिल्ली जैसे दुबकने पर मजबूर हो जाती है। न्यूजीलैंड के आंकड़े भी भारत में ऐसे ही हैं, जो केन विलियमसन के भीतर शायद ही जीत का भरोसा जगा पाए। अब तक भारत और न्यूजीलैंड के बीच 117 वनडे मैच हुए हैं, 59 भारत ने जीते हैं, 50 न्यूजीलैंड ने, यानी न्यूजीलैंड पर भारत का पलड़ा भारी है। लेकिन ये इतना बड़ा अंतर भी नहीं है कि किसी का पक्ष एक तरफा हो, है कि नहीं। लेकिन ये सिक्के का सिर्फ एक पहलू है, दूसरा पहलू न्यूजीलैंड टीम के लिए बेहद डरावना है जिसे वो याद नहीं करना चाहेगी। दूसरा पहलू यानी भारत में न्यूजीलैंड का प्रदर्शन, अब जरा सिक्के के इस दूसरे पहलू की बात कर लेते हैं। न्यूजीलैंड ने भारत में भारत के खिलाफ अब तक कुल 39 मैच खेले हैं जिनमें उनको सिर्फ 8 में जीत मिली है, जबकि भारत 30 मुकाबले जीता, एक मैच रद्द हो गया था। अगर हम जनवरी 2000 के बाद के आंकड़े देखें तो न्यूजीलैंड का प्रदर्शन उतना ही खराब है। साल 2000 से लेकर अब तक भारत और न्यूजीलैंड के बीच भारत में कुल 20 मुकाबले हुए हैं, न्यूजीलैंड सिर्फ 4 जीता है, भारत 15, एक मैच रद्द रहा है। मतलब मामला एकदम क्लियर है कि जब मुकाबला भारत से भारत में हो, बोले तो मेजबान टीम भारत हो, तो न्यूजीलैंड की हालत पतली हो जाती है। वर्ल्ड कप 2023 शुरू होने से ठीक पहले भारत और न्यूजीलैंड के बीच हैदराबाद, रायपुर और इंदौर में वनडे मुकाबले थे, तीनों न्यूजीलैंड हार गया था, वो भी तब जब भारत के स्टार क्रिकेटर बुमराह, केएल राहुल और अय्यर चोट के कारण टीम से बाहर थे। सोचिए इनके बाद वर्ल्ड कप में भी दोनों टीमें धर्मशाला में टकराई, भारत ने ये मैच आसानी से जीता, यानी भारत 2023 में हुए 4 मुकाबले भारत ने जीते हैं। तो क्या भारतीय टीम न्यूजीलैंड को हल्के में ले सकती है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। एक तो क्रिकेट में कभी भी कोई टीम किसी को हरा देती है, इसी वर्ल्ड कप में नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया और अफगानिस्तान ने पाकिस्तान और इंग्लैंड को चलता किया, कई बार एक खिलाड़ी ही पूरी टीम पर भारी पड़ जाता है जैसा कि ग्लेन मैक्सवेल की पारी ने साबित कर दिया। ऐसे में भारत को भी न्यूजीलैंड के खिलाफ पूरी ताकत और फोकस के साथ उतरना होगा। क्रिकेट प्रेमी भूले नहीं होंगे कि 18 जनवरी का वो मैच जिसमें शुभमन गिल ने दोहरा शतक लगाया था, भारत ने इस मैच में 349 बनाए थे और न्यूजीलैंड की टीम इसके जवाब में 337 तक पहुंच गई थी। वो मैच शायद इस साल का सबसे करीबी मुकाबला था जो भारत ने जीता था। तो आप भी तैयार हो जाइए कल के मुकाबले के लिए। बाकी कोई आपका खुद का पर्सनल टोटका है जो आपने 2019 में यूज किया था तो वो वाला इस बार मत यूज करना, ठीक है? बाकी आपसे मिलते कल एक और कड़क वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रिको, बस चैनल सब्सक्राइब करना और फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को लाइक करना। मिलते हैं जल्दी, जय हिंद।